गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं गाइस सुबह के 5:42। मैं आज इसलिए इतनी जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मैं अभी और पापा जाने वाले हैं पार्क मॉर्निंग वॉक के लिए। तो बस जल्दी से चलते हैं, थोड़ा फेस वॉश कर लेते हैं और निकलते हैं। तो पापा अभी भी बस रेडी हो रहे हैं, निकलते हैं। और गाइस अभी मैं छत पर आया हूँ और इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है ना, सनराइज अभी हुआ नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है छत पर। ये तो इसने तो बैट और बॉल भी ले लिया, वहाँ बैट बॉल खेलोगे? गाइस पहुंच गए पार्क, मस्त व्यू आ रहा है ना अभी। भाई मजे से झूला झूला पापा वॉक कर रहे हैं अभी यहाँ से जाए, मतलब वो थोड़े राउंड लगाते हैं पूरे पार्क के, छः सात जितने भी वो राउंड लगाते हैं अपना लगाते हैं, फिर आके वो थोड़े स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं। सब लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, कोई योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, मस्त पार्क है एकदम। अभी अभी आएगा माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए, ये ए, 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 आ गया अभी। गाइस अब हम लोग खेलने जा रहे हैं बैट बॉल, अभी करेगा बैटिंग। ठीक है तुम वहां से बैटिंग करो, मैं बॉलिंग करता हूँ। ओके गाइस अब मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, बहुत देर इसको बॉलिंग करा ली। गाइस हम लोग ने क्रिकेट खेल लिया, काफी मजा भी आया ना जी। और अब हम लोग चले और उधर झूले हैं, तो अभी को वहाँ ले चलते हैं। गाइस यहाँ पे नेट लग रहा है, लोग खेलने आ रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट तो पूरा बना हुआ है और उधर भी लोग खेल रहे हैं। मस्त पार्क है, बहुत अच्छी जगह है ये। और ये पार्क का नाम है बेगम हजरत महल पार्क और ये परिवर्तन चौक चौराहे पे है। सभी गाइस पूल वगैरह सूख गए, पानी वगैरह है नहीं। कोविड से पहले यहाँ पे पूरा पानी भरा रहता था, रात में चलते थे तो लाइट आइट चलता था, बहुत ही अच्छा फाउंटेन चलता था, जबरदस्त। सूखा ही पड़ा हुआ है। यहाँ भी काफी झूले हैं गाइस, बहुत सारे यहाँ। ये देखिए तेज नहीं कर रहे हैं, तुम्हें डर लग रहा है क्या? इसी पार्क से अटैच एक और पार्क है जो कि बहुत ही अच्छी आपको अच्छी चीज दिखाते हैं। बाकी ये देखिए गाइस मेरे पीछे अर्थ, जो कि आपको अच्छे से दिखाते हैं। ग्लोब बना हुआ है गाइस और इस पार्क का नाम भी है ग्लोब पार्क। देखिए पूरी अब गाइस चलते हैं पापा के पास, देखते हो कहाँ है। उन्होंने कहा था 10-15 मिनट बाद आना मेरे पास। यहाँ पे भी लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं और वॉक कर रहे हैं और इधर उधर सब लोग एक्सरसाइज योगा वगैरह कर रहे हैं। सही है भाई, मस्त है। यहाँ तो पूरी घास गीली है ना अभी, यार गीली है, नंगे पैर पे चलने में बहुत मज़ा आएगी। लोग चल भी रहे हैं काफ़ी। चलते हैं गाइस घर, बहुत देर पार्क में रहा, बहुत मज़ा आया पार्क में। तो गाइस अब पीने आए हैं मट्ठा।
अंकल एक ग्लास मट्ठा दे दिए, मट्ठा भी पी लिया, अब चलते हैं सीधे घर। पहुंच गए गाइस, मजा आ गया पार्क में। सुबह लेकिन उठने में थोड़ा रहता है, लेकिन अच्छा रहता है पार्क सुबह सुबह जाना। मैं तो गाइस आते ही सो गया, हंसा मतलब सुबह 5:30 बजे उठे थे तो आते ही नींद लगी थी तो सो गया, अब उठा सही है। अब चलते नहा लेते हैं, चल के भी जाऊँ। तो गाइस मैं नहा के रेडी हो गया हूँ और अब चलते हैं अमीनाबाद, क्योंकि मुझे ख़रीदना है एक वाटर कूलर। तो चलते हैं पहले कपड़े की शॉप पे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ कपड़ा सिलने को दिया था तो रेडी है, तो वो भी उठा लेते हैं और फिर वाटर कूलर लेंगे और बस। इससे पहले गाइस उस शॉप पे मैं आया तो नहीं हूँ, मेरे पास की रिसिप्ट है तो मदन लाल करके है, तो मुझे जैक दुकान पता नहीं है, तो पहले यहाँ देखते हैं नहीं तो फिर किसी से पूछ लेंगे। मदन लाल यही है शॉप। साड़ी मिल गई है तो रेडी थी बस, तो अब चलते हैं वाटर कूलर ले लेते हैं चलते। तो गाइस आज से रमज़ान भी स्टार्ट, तो अब रात में और भीड़ भाड़ होगी, तो लोग तो रात में शॉपिंग करने निकलते हैं। इतनी गर्मी में रोज़ा रहना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। तो इतनी ज़्यादा धूप रहती है, ना पानी पी सकते हैं ना कुछ खा सकते भाई, हालत ख़राब हो जाती होगी। मैं रोड से गलियों में आ गया, क्योंकि रोड पे तो बहुत धूप रहती है, तो इसमें गलियों में थोड़ा आराम मिल जाता है, थोड़ी छांव वगैरह मिल जाती है। आज गए बस यही शॉप है जहाँ से हम लोग को वाटर कूलर लेना है, ये होलसेल और अच्छी शॉप है, यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। इस वाटर कूलर ले लिया, अब चलते हैं सीधे घर पास में गाइस, चलते हैं थोड़ा फेंकते हैं पंखे के पास। आज से रमजान स्टार्ट है तो इसीलिए तुम कुर्ता पजामा पहने हो, है आज से रोजा स्टार्ट हो गया। अभी आज पूरा रमजान मना रहे हैं। अभी गाइस यहाँ पे अभी की कॉफी में इंडेक्स बना रहा हूँ मैं, और ये यहाँ पे बैठे स्केच खेल रहे हैं। तो गाइस आज लंच में बना है मटर, तो चलिए खाते हैं, बहुत टेस्टी लग रहा है और भूख भी बहुत तेज लग रही है। अभी चलते हैं गाइस, जरा साइकिल निकालते हैं और उसमें देखते हैं जरा हवा हवा कम हो तो चल के भरवा ले, क्योंकि कल से मैं स्कूल ओपन हो गया, कल से स्कूल जाएंगे भैया, तो वही साइकिल से जाना है तो देखते हैं। मुझे से हवा कम लग रही है, लेकिन अभी चला के देखते तो अगर कुछ लगा तो जाहिर है तो सही करवा लेंगे। वैसे सिर्फ हवा ही कम है, गंदी बहुत हो गई, काफी दिन से खड़ी है, 2-2.5 हफ्ते से खड़ी है, मैंने चलाई नहीं, तो साफ कर लेते हैं पहले। तो गाइस मैं साइकिल चला के नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले में हवा बहुत कम है और पीछे में तो है ही नहीं बिल्कुल, तो अगर चला के ले जाओ फिर पंचर की चांसेस रहती हैं, तो इसलिए मैं चला के नहीं ले जा रहा हूँ। पानी बंद है, अब क्या करें, दूसरे चलते हैं भैया वहाँ देखते हैं। तो गाइस हवा भरवा लिया साइकिल, अब मस्त चल रही है एकदम, भाई हवा ही नहीं थी और सब सही है, एकदम मस्त चल रही है भाई। चलते हैं एक दो राउंड मार लेते, इतने दिनों से चला ही नहीं, तो फिर चलते हैं, तब सही रहेगा अपना। जो मज़ा भाई साइकिल में ना वो किसी भी मस्त चल रही है सही। अब करने जा रहे हैं गाइस स्कूल ड्रेस में आयन, ये पैंट हो गई, ये पैंट हो गई, अब करते हैं शर्ट। स्कूल ड्रेस भी आयन हो गए, चलते हैं स्कूल बैग रेडी करते हैं स्कूल जाने के लिए। पूरा मैं रेडी, बैग भी पैक हो गया, स्कूल ड्रेस भी आयन हो गई, साइकिल भी सही है, बस आराम से मस्त चलेंगे स्कूल। तो अब करते हैं डिनर, डिनर में वही है मटर और रोटी। मम्मी इस मटर को रोस्ट कर देती हैं तो और फिर बहुत क्रिस्पी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है रोटी से खाने से। गाइस चलते हैं अब एडिटिंग करते हैं और ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।